शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सब मिडिल क्लास मेंटालिटी तो है, रिश्ते त्याग मान माय फुट। टेल मी समथिंग, तुम्हारी लाइफ में कोई एस्पिरेशंस नहीं है? समथिंग नोन एज ग्रोथ? बस दो अक्की रोटी मिल जाए, पूरी जिंदगी चैन से बिता देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो तुम पूरी जिंदगी बड़े लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे रोहित। किससे कह रही है? जानती भी आप? रोहित मेरे पति हैं। मुझे भी तो इसी बात का दुख है खुशी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे पति के लिए ताकि उसका स्टेटस हमारे बराबर हो सके? But my darling, I am so sorry. Your husband is so thankless. पूछो इससे कि इसे आदित्य के काम की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी कि सबके सामने। Enough, Mom. बहुत हो चुका है, stop it. खुशी, Mom, आप नहीं जानते कि आप गुस्से में क्या क्या बोले जा रही हैं। खुशी, मैं? Mom, please. अब मैं रोहित के खिलाफ आपके मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहती। उसके मिडिल क्लास माहौल से तो बाहर ला सकते हो, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं बदल सकते। यू स्टिल हैव दैट मिडिल क्लास मेंटालिटी इन यू। तुम्हारी लाइफ में कोई एस्पिरेशंस नहीं है? समथिंग नोन एज ग्रोथ? बस दो अक्की रोटी मिल जाए, पूरी जिंदगी चैन से बिता दे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो तुम पूरी जिंदगी बड़े लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। सॉरी रोहित, आई नो मॉम ने तुम्हारे साथ जिस तरह से बात की वैसे उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका कोई हक नहीं बनता कि तुमसे वो ऐसे बात करे। बट टेल मी रोहित, तुमने मॉम की बातें चुपचाप क्यों सुन ली? तुमने मॉम की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया रोहित? वाय रोहित वाय? खुशी, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। उनके घर में रहता, उनके घर में रह के उनसे मैं ऊंची आवाज में बात करूं, बेरुखी से उनके सवालों का जवाब दूं, ऐसा नहीं लगता। सत्य वचन, आहा, जय बजरंगबली। सत्य है प्रभु, सत्य है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जिसके हाथ में रिमोट उसी का चलेगा रोड। सत्य है प्रभु, सत्य है, सत्य है। जय बजरंगबली, जय सियाराम। दादाजी, घर में नहीं है। देखो देखो, ये ठीक नहीं। उस
किसी का चलेगा रोग। छू दिया हमें फिर से, अरे फिर से स्नान करना पड़ेगा हमें। हे बजरंग बली, हमें इससे बचा। जाओ जाओ रंगीला जी, जब से बंबई आए हो इतना नहाते हो कि पानी कमी हो गई है। शॉर्टेज ऑफ वाटर। जाजा ना क्या। हमको सीरियल देखना है। सीरियल देखना, उसका पति मेरा। अरे छुड़ा दिया रंगीला। तुम्हें पता है आज कौन आई थी? कौन? अरे वही, वो परी की धानी माँ। उस दिन खाने पे नहीं जा पाए थे ना, तो मैंने उन्हें ऐसी सफाई दी कि क्या बताऊँ कि कैसी सफाई दी। तुमने तो उसका दिमाग ही साफ कर दिया होगा। चुप करो। वैसे बड़ी अच्छी है, लेकिन काम्या भाभी फोन से नीचे मिलने नहीं आई। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं भी कौन सी कम हूँ। मैंने भी इस बात का क्या फायदा उठाया। तुम्हें पता है मैंने भी काम्या भाभी और परी के बीच में ऐसी आग लगाई कि गारंटी है दोनों आपस में बात नहीं करने वाले। और तुम्हें पता है इसका फायदा किसको होगा? रंगीला जी। रंगीला नहीं, नहीं? मैं। काम्या भाभी परी से तो काम कराएंगी नहीं, तो मैं कराऊंगी परी से सारा काम और आराम से आराम करूंगी। अरे तुम बहुत स्मार्ट हो। अरे तुम इतनी स्मार्ट हो के बस चुप करो। मुझे पता है मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे ऑफिस में आज क्या हुआ? तुमने रिपोर्ट तो मुझे दी नहीं। अरे हाँ, हमारी एक बड़ी इंटरनेशनल डील हो गई है और ओवरराइज के साथ हमारी मीटिंग है कल। मीटिंग है ना, तो पूरी तैयारी से जाना। और सुनो, तुम बाऊजी के साथ साथ ही रहना। अरे मैं हमेशा बाऊजी के साथ रहता हूँ, उनके साई की तरह। वो यहाँ जाते मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाते मैं वहाँ जाता हूँ, वो हाँ कहते मैं हाँ कहता हूँ, ना कहते मैं ना कहता हूँ। यहाँ तक मैं हमेशा बाऊजी की तरह रहता हूँ। राइट, बाऊजी आर ग्रेट, बाऊजी आर फैंटास्टिक, बाऊजी आर सुपरमैन, बाऊजी आर बैटमैन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सुनो, तुम्हें बाऊजी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि पराशर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन कौन बनने वाला है? कौन बनेगा? अरे तुम, मिस्टर संजय पराशर। हाँ, जय चरमनायन। पकौड़े? हाँ, पकौड़े? अरे ऊपर नहीं, पकौड़ों की खुशबू आ रही है। पकौड़े पकौड़े कहाँ पकौड़े? यहाँ है। अरे पकौड़े और साथ में हमरी आओ नगरी वाली गर्मा गर्म चाह और सिर्फ 4 चम्मच शक्कर के साथ। ये लीजिए। रखा किसे यार, क्या रखा? ये लीजिए, आप पकौड़े खाएंगे। डाइट पकौड़े? अरे डाइट फाइट पकौड़े कुछ नहीं होते, और अगर तुमने ये खाए ना तो बन चुके तुम सौम्य और समीर की तरह। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता कि तेरे साथ को ये पकौड़े नहीं खिलाने? और चीनी? अरे हाँ। हिंदुस्तानी चाय है। अरे हिंदुस्तानी चाय मतलब शुगर। तू जा यहाँ से और सैडल लेकर अपने साहब के लिए ले जा। पकौड़े यहाँ पे रख और चाय दे। अब जा सैलेड काट के ला। सलाद वो ऐसे ऐसे सब्जियों को काट के लेकर आ साहब के। जी जी जी। एक एक चुप। शैली भाभी भी ना, इन्होंने अपने बेटे को बड़ा सर पर चढ़ा रखा है। जब रात में लोगों के आने का टाइम होता तब ये नवाबजादे रात को घर से बाहर जाते हैं। मुझे भी समीर के साथ जाना चाहिए। हाँ? तुम्हें तो कहा था मुझे वैसे करना चाहिए जैसे समीर और सौम्य करते हैं। मुझे उसके साथ जाना चाहिए, डिस्को डांस करना चाहिए, यंग यंग लड़कियों के साथ डांस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, ये मजाक करते करते ना तुम खुद ही मजाक बन जाओगे। ये नहीं कि इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि कैसे चेयरमैन बनना है।
क्या हुआ बेटे? बाबूजी, हमने बहुत समझाने की कोशिश की मगर हाँ बाबूजी, ये दोनों तो ऐसी जिद पर अड़े हैं, ऐसी जिद पर अड़े हैं, ऐसी जिद पर अड़े हैं कि क्या बताएं कि कैसे जिद पर अड़े हैं। तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंती को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बेटा वही पेड़ झुकते हैं जो फलदार होते हैं। अरे काम्या भाभी, आपको क्या बताऊं, ये जो समीर है ना, वो तो इतना चलाक है कि क्या बताऊं कि कितना चलाक है। अरे बाबूजी के सामने खुद तो एकदम भोला भाला सा बन के बैठ गया और हमारे सौम्य के सर उसने सब कुछ मर दिया। भाभी मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सौम्य को रास्ता ही नहीं दे रहा था और इतना बदतमीज है, गाड़ी को बार बार बैंग किए जा रहा था। भाभी आपका सौम्य, मेरा मतलब हमारा सौम्य, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भाभी मैं तो कहती हूँ जो बात सही है सो सही है और जो बात गलत है वो गलत है। ठीक है ना काम्या भाभी? What are you saying? अरे शैली भाभी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सौम्य समीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मैंने अपनी इन आंखों से देखा, उसकी आंखों में समीर के लिए इतना गुस्सा था कि क्या बताऊं कि कितना गुस्सा था। सच कह रही हूँ शैली भाभी, जो ठीक है सो ठीक है, जो गलत है सो गलत है। सौम्य को कोई हक नहीं है कि हमारे भोले भाले समीर के साथ ऐसे पेश आए। इनफ निर्मला, बहुत हो चुका, दिस इज जस्ट टू मच। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। हाँ भाभी आपको तो चुप रहना भी नहीं चाहिए। तेज दिमाग, दोनों को लड़ा दो और दूर खड़े तमाशा देखो। बाबूजी की नजरों में बुरे बनेंगे तो ये दोनों, हम भावनगर वालों की तो वाहवाही होगी। इधर समीर गया, उधर सौम्य, और बाबूजी की नजरों में उठेगा कौन? मेरा संजय। या थैंक यू वेरी मच, हमें भी आपके साथ काम करने में खुशी होगी। या थैंक यू, बाय। सौम्य सौम्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? समीर तुम्हारा भाई है, तुम उससे दो दिन बड़ी हो, सो व्हाट्स द बिग डील? बड़े होने का मतलब ये नहीं होता सौम्या कि अपने छोटे भाई पे रोब जमाते रहो। बड़े हो तो बड़ों की तरह बिहेव करना भी सीखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीर को हार्म करने की कोशिश की तुमने? आई नो सौम्या, तुम बचपन में ही समीर से जला करते थे, लेकिन तुम अपनी जेलसी इस तरह से निकालोगे? दिस आई डिडंट नो। सौम्या ये कोई तरीका नहीं होता है, एक छोटे शैली भाभी, तरीके से सौम्य से बात कर रही है, ये कौन सा तरीका है? आपको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी सुनाना है, मुझसे कहिए।
एंड बाय द वे, आप जो सौम्य पर इल्जाम लगा रही है ना, वैसा कुछ सौम्य ने नहीं किया है। सच तो ये है कि समीर ने सौम्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सौम्य ने नहीं। मेरे बेटे को बड़े छोटे का लेक्चर देने से पहले आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि वो भी तो गाड़ी पीछे ले सकता था। मम्मा प्लीज। नहीं सौम्य, अगर ये अपने बेटे की तरफदारी कर सकती है तो मुझे भी अपने बेटे के हक में बोलने का पूरा हक है। तुम अंदर जाओ। वाओ काम्या, व्हाट एन अमेजिंग मदर यू आर। अपने बेटे को समझाने की बजाय तुम उसे शह दे रही हो। मुझे अपने बेटे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो समझदार है। मेरे बेटे को भाषण देने के बजाय आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि वो भी तो गाड़ी पीछे ले सकता था। अगर आप अपनी बेटी तरफदारी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इनफ काम्या, मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तो आपको क्या करना है, चुपचाप सुनती रहूंगी? नहीं, आप अपने बेटे को समझाइए जिसे बड़े छोटे की बिल्कुल तमीज नहीं है। और तुम्हारे बेटे को है बड़े छोटे की तमीज? समीर उसे छोटा है, हम यहाँ पे मेहमान है। क्या बात है सौम्य? मैंने तुमसे पहले कहा था परी कि तुम और दाजी जो सपना देखने की कोशिश कर रहे हो कभी पूरा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन हुआ क्या है सौम्य? क्या होगा परी, उधर ऑफिस में विजय ताऊ जी हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और संजय चाचू वो दाजी की हाँ में हाँ भरने से उन्हें टाइम नहीं मिलता। और समीर, समीर के बारे में हम कुछ बात ना करें वो बेहतर। उसे घर में किचकिचे झगड़े, ये टेंशन। सौम्य, घर में दो बर्तन होंगे तो टकराएंगे ना? टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, लेकिन एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतने साल पहले जो झगड़े, जो डिफरेंसेस हुए थे वो एक दूसरे से दूर रहने की वजह से कम हो गए थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहने की वजह से वो फिर से शुरू हो गए। सौम्य प्लीज आप शांत हो जाइए, अपने दिल में इतनी कड़वाहट मत भरिए। देखना टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सब बेकार की कोशिश है, बेकार की तसल्ली है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। तुम्हें किसी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो शहरी भाभी और समीर भी तुमसे कुछ कहे ना तो तुम्हें उनकी बात भी सुनने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें एक बात सुना तो तुम उन्हें दो बात सुना। मैं तुम्हारे साथ हूं। घर हमारा है, बिजनेस हमारा है, मुंह उठाकर फूल लोग चले आए हैं, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। सौम्या